अस्सलाम वालेकुम। देखिए, गोंद है, दो किस्म के गोंद हैं। ये कहते हैं सर्दियों में खाया जाता है, एक गर्म गोंद होता है, इसलिए इसको सर्दियों में खाया जाता है। ये थोड़ा सा इसमें पानी गिर गया था तो ये थोड़ा चिपक गया है, वरना ये अलग अलग ही होते हैं। और ये होता है गोंद कतीरा, इसको कहते हैं गोंद कतीरा, और ये गर्मियों में खाया जाता है। ये थोड़ा सा भी, जैसे इतना ये है ना, ये अगर आप भिगो देंगे पानी में तो ये इतना सारा हो जाता है। और ये बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये बर्फ की तरह हो जाता है। जैसे बर्फ होती है ना, जैसे गोले गंडे की बर्फ होती है, जो हम गोले गंडा हम लोग खाते हैं, बचपन में भी खाते थे और अब भी खाते ही हैं, दिल चाहता है तो ये देखिए बिल्कुल बर्फ की तरह हो गया है, बर्फ की तरह हो जाता है ये बिल्कुल। और ये ठंडा बहुत होता है, ये गर्मियों में जो है वो, अगर किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, प्यास बहुत लगती है, तो ये क्या कहते हैं, हमारे गोंद कतीरा जो है, ये आप शरबत बना कर पीजिए, ये बहुत ही मज़ेदार भी होता है और ये जिस्म में ठंडक पहुँचाता है। इसके अलावा कब्ज़ के लिए भी ये बहुत बेहतरीन होता है, और सर में दर्द रहता है अगर गर्मी की वजह से, प्यारों में हाथों में जलन होती है, तब तो भी ये बहुत काम आता है। जिगर में गर्मी हो गई हो तो क्या कहते हैं, आप इसका शरबत बनाकर पी सकते हैं, और ये बहुत ही क्या कहते हैं, मज़ेदार भी लगता है। ये नहीं कि क्या कहते हैं सिर्फ ये, इसके फ़ायदे ही हैं, लेकिन ये मज़ेदार भी लगता है। तो आइए आज हम इसी क्या कहते हैं गोंद कतीरे का जो है वो शरबत बनाएंगे। और ये गोंद तो हमारा सर्दी में काम आता है, सर्दी की रेसिपीज में हम क्या कहते हैं डालते हैं, तो ये उसमें काम आता है, लेकिन ये जो है वो गर्मी में काम आता है। एक बार बना के देखिए, आपके सारा दिन जो है वो आपको ठंडा की जिस्म में महसूस होगी। जो गर्मी दाने वगैरह हमारे हो जाते हैं तो उसमें भी ये फायदेमंद होता है, गर्मी दाने जो जलन होती है, बारीक बारीक दाने निकल आते हैं दिसंबर, तो ये उसके लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। तो ये एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिए इसको। तो आइए अब इसका क्या हम शरबत बनाते हैं, एक हम दूध में बनाएंगे और एक हम पानी में बनाएंगे। पानी में जो बनाएंगे उसमें हम कैरी का शरबत डालेंगे, जो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बनाकर बताया था कि कैरी का शरबत जो हम, जिससे कुल्फी है बनाई थी हमने, जो पॉप्सिकल बनाए थे, तो ये पॉप्सिकल के क्या होते हैं उसमें जो है वो शरबत मेरे पास था, तो मैं उसी को डालूंगी और उसको हम क्या होते हैं अच्छा सा शरबत बनाएंगे। और उसके बाद जो है ये मज़ेदार सा हमारा जो है वो शरबत बनेगा, देखिएगा आप। और इसमें हम तुकुम्बलिंगा भी डालेंगे, ये जो है ये भी ठंडक के लिए बहुत काम आता है और गर्मियों में हमें ठंडक देता है। किसी को पेशाब की तकलीफ़ हो अगर, तो उसमें भी ये दोनों चीज़ें जो है वो गोंद कतीरा और ये दोनों चीज़ें जो है वो बहुत काम आती हैं। और पेशाब में जलन वगैरह अगर हो रही हो तो भी क्या होते हैं, या पेशाब रुक गया हो किसी का, तो उसमें ये दोनों चीज़ों का शरबत बना कर दीजिए तो ये बहुत काम आता है। इसके अंदर हम गोंद कतीरा डाल लेंगे, दोनों में डालेंगे हम, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। मैं दो दो चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है, ये लग रहा है इस बर्फ के गोले को हमने शरबत बना ली है, ये देखिए। इसके बाद हम तो कुम्बलिंग का भी डाल देंगे इसके अंदर, दोनों के अंदर हम डालेंगे, और दोनों चीज़ें जो है ठंडी हैं। उसके बाद हम बर्फ़ डाल देंगे इसमें, बर्फ़ भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना डालना चाहें, ज़्यादा डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, या नहीं भी डाल सकते। अब एक में हम पानी डालेंगे, कैरी वाले में हम पानी डालेंगे और ये इसके अंदर हम दूध डालेंगे। कैरी वाले में मैं थोड़ा सा ग्रीन शरबत डालती हूँ ताकि देखने में वो अच्छा लगे, खूबसूरत लगेगा, ये थोड़ा सा ग्रीन शरबत डाल देते हैं कलर के लिए, आप कलर भी डाल सकते हैं। आइए अब हम इसे पानी और दूध डालते हैं। तो ये लीजिए, हमारे जो है वो दोनों शरबत जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं, ये हमारा कैरी वाला शरबत है और ये हमारा जो है वो दूध का शरबत है। इसको अलग चमचे में रखेंगे वरना ये दूध इसमें मिल जाएगा।
ये गोंद कतीरा भी हमने इसमें डाल दिया था, मुझे कुछ कम लग रहा है ये गोंद कतीरा, मैं और डालती हूँ इसमें। एक बार आप बनाकर पियेंगे ना इसको तो आपको इतना मज़ा आएगा ना कि आप सोचेंगे कि रोज़ाना जो है इतनी ठंडक मिलती है इससे, और इसके इतने फ़ायदे हैं ना, तो आप रोज़ बनाकर पियेंगे इसको। ये दोनों शरबत हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब दोनों में से हम चमचे निकाल देते हैं और मज़ेदार से हमारे शरबत देखिए तैयार है। थोड़ा थोड़ा सा तुकुमलिंगा बच गया था तो मैंने उसमें और डाल दिया है, ताकि इसका क्या करना बचा कर फिर इसके 2 गिलास बनाने थे, तो क्या होते हैं इसको मैंने डाल दिया है, बहुत मज़ा आएगा। अब इसको मैं क्या होते हैं, ज़ाहिर बात है मैं ही पीऊँगी, आप बनाइएगा तो पीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा गोंद कतीरा ज़रूर गर्मियों में इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही ठंडक पहुँचाता है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। वीडियो इस स्टेज पर अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा जिनको आप चाहते हैं कि इनको क्या होते हैं इस्तेमाल करना चाहिए ये गर्मी के मौसम में, उसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर इजाज़त दीजिए कौसर को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, और दुआओं में सबको याद रखा कि जब भी हाथ उठाए कि, तो फिर अल्लाह हाफिज़ करते हैं।